सबसे पहले आप सबों का संध्याकाली मेला में मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं मनीष भारती दिल्ली के रहूं आपके साथ आज के इस काफी गोष्ठी में या फिर विचार रखने के दरमियान में। आज जिस विषय वस्तु पे अभी मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ उसके लिए एक शेर पहले कहना चाहूंगा। शेर है कि कहते हैं कि हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके वाह चलो साथ लेके चलो, चलो तो जमाने को साथ लेके। क्या बात अब इन किसान मजदूरों को कौन पूछता है, शौक के भाव में गांव से फिर आ जाएंगे। फिक्र तो मालिकों की है, आखिर यही तो कारखाने बनाएंगे, होटल लगाएंगे, इन्हीं से तो ये शहर शहर सा लगता है, वरना इन मजदूरों ने तो शहर को नरक। अब जो 4 पैसे के लिए जान दांव पर लगा जाते हैं, शहर के स्लम में सर छुपाने को थोड़ी जगह मिल जाए, इसके गुर्बत अपने सखा बंधु और गांव से रिश्ता तोड़ा, या तो गवार हूँ या फिर माठू, जानते ही नहीं कि इन्होंने शहर को अपना बनाया है, लेकिन शहर इन्हें कभी अपना माना ही नहीं। तो इस समय इस दौलतमंद शहर से चंद गरीब मजदूरों का पेट भरा ना जा सका। उसका असली चेहरा झट से सामने आ गया, मुखौटा उतर ही गया। शहर गांव वालों से अपनी बातें कहता है, सुनिए जरा, मैं एहसान फरामोश शहर, तुम अभागे विश्वकर्माओं से इतना ही कहूंगा कि हाँ, दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लौट जाओ नंगे पांव, क्योंकि हवाई जहाज पर कोई हवाई चप्पल पहन के कैसे चढ़ सकता है। लौट जाओ तुम दरिद्र नारायण अपने गंदे से गांव में, क्योंकि तुम शहर का पेट भर सकते हो, पर मेरी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे सकूं। एक जरूरी बात और थी, तुम अब वापस मत आना मेरे पास, क्योंकि मैं अब तुमसे नजर नहीं मिला पाऊंगा। नमक रोटी खाकर अपने गांव में ही गुजारा कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें सुनहरे सपने की सिर्फ और कुछ नहीं दे सकता। लौट जाओ कि इस कसम के साथ कि हमारा साथ नहीं, और अपने गांव कसम के साथ कि मैं तुम्हें कभी सम्मान दे पाऊंगा, और मैं इस भ्रम में रह लूंगा कि तुम्हारे और तुम्हारे गांव ने मुझे माफ। लौट जाओ कि मैं तुम्हें सिवाय अपमान के कुछ नहीं दे सकता, जबकि मैं जानता कि तुम गांव जाकर मेरी तारीफ ही करोगे, पर आज तुम्हारा सपनों का शहर अपनी असलियत जान लो। लौट जाओ नंगे पांव अपने गांव। ये मेरी प्रस्तुति थी जो एक क्या बात मजा है, आ गया सर, बहुत मजा आ अच्छी गया, बात मजा है, आ गया। बहुत अच्छा मनीष भाई, बहुत शुक्रिया मनीष भाई। अगर किसी को कुछ अच्छे शब्द कहने हो मनीष भाई के लिए, मनीष भाई की कविता के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं उनके लिए। मुझे पंडित गोविंद व्यास की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि फुर्सत तो मुझे भी बहुत थी देश के लिए, जब पेट भर गया तो नींद आ गई।